रीवा में पुलिस ने मानवता की हदें पार कर दी। रात में पुलिस ने बस से दो युवकों के साथ एक युवती को पकड़ा और युवती को अंत वस्त्रों में थाने लेकर गए। मामला तूल पकड़ने के बाद रीवा एसपी ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। शाहपुर थाना अंतर्गत रात के समय एक बस में दो युवकों के साथ एक लड़की मिली, जिसके बाद 100 डायल पुलिस में पदस्थ आरक्षक ने लड़की को जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। पुलिस के आरक्षक द्वारा युवती को गालियां दी गईं, जिसके बाद लड़की को पुलिस अंत वस्त्रों में ही थाने लेकर आई। इस दौरान महिला कोई आरक्षक भी वहां मौजूद नहीं थी, जबकि शाहपुर में महिला थाना प्रभारी है। इस मामले में जब रीवा एसपी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है, इस पूरे मामले में संबंधित अधिकारी से जानकारी मांगी है, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। इस मामले की जानकारी मुझे मीडिया के माध्यम से लगी है। मैंने मीडिया को की जो जानकारी प्राप्त हुई है, मैंने एडिशनल एसपी महू को बोला है कि बस स्थिति से अवगत कराएं, क्या मैटर था, क्यों ले गए थे, क्या बात है और क्या कार्रवाई हुई, ये सारी चीजों की जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।